गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन 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 अमन। मेरी तरफ से और मेरी दोनों बहनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी काली चौदस। और गाइस कल है दिवाली, सो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ छठ पूजा के लिए। है ना, अभी हमारे है ना कपड़े लेने बाकी है, सो हमने सोचा है कि आज हम है ना छठ पूजा के लिए है ना कपड़े लेने के लिए जाएं, क्योंकि गाइस दिवाली के बाद से यहाँ की दुकानें सब जो है वो बंद हो जाती है ना 5-6 दिनों के लिए। और ये वाले जो क्लोथ्स होने वाले हैं वो पापा देने वाले हैं। हाँ, पापा खरीदते हैं कपड़े, तो हमको है ना बहुत ही ज्यादा खुशी होती है ना खुशबू। हाँ, खुशी तो होती है, पर है ना पापा है ना एक बजट देते हैं, उसके अंदर ही कपड़ा सिलेक्ट करने का होता है। जब हम खरीदते हैं तो हमारा तो बजट है ना ओवर ही जाता है, लेकिन पापा जब बजट देते हैं तो मैं ना हमको बजट में ही करना पड़ता है ना। हाँ, और हमारे भी मनपसंद का मिले ना मिले उसकी टेंशन ज्यादा होती है, पर वो कपड़ों में मेरे पापा का प्यार होता है, क्योंकि साल में एक ही बार वो देते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से माने कपड़े दिलवाने के लिए। ऐसा बोले थे कि आप लोगों के पास कपड़े तो बहुत सारे थे, आपको क्या जरूरत है, लेकिन पापा के पैसों से कपड़े पहनते तो उसकी अलग ही खुशी होती है ना पारा। हाँ, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप पूरे साल दो चाहे मत दो, दिवाली पर एक कपड़ा दे देना। हाँ, सही बात है। और धनतेरस पे तो उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं, तो एक कपड़े तो दे ही सकते हैं ना। और गाइस उन्होंने बोला था कि आप लोग जो जूडियो से लेके आए वो पहन लो, तो फिर हमने कहा कि पापा नहीं हम वो नहीं पहनेंगे, वो थोड़ी ना फेस्टिवल में पहनने लायक है ना। उसमें तो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं ना, उसमें ही मजा आता है, जैसे कि अनारकली। हाँ, बस में ऐसा तरीका है खुशबू सोफे पे बैठने का। ये मेरा तरीका है, तेरे को क्या। हाँ, देख पायल कैसे बैठी है, देख वो खुद कैसे बैठी। तू भी पैर नीचे रख। पता नहीं इनको क्या आदत है, ये सोफे के ऊपर ही पैर रखती है ये दोनों लड़कियां। क्या है ना, हमें आदत पड़ गई है, हमारे बेड पे हम पैर रख के ऐसे सोते थे ना, इसलिए। इधर तो रखते हो ना तो ऐसे गंदगी दिखती है पैर। ऐसे तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगा नहीं ये चड्डा पहन के, इसलिए फटाफट से जाता हूँ और इन दोनों की तरह है ना मैं भी कपड़े अच्छे अच्छे पहन कर आता हूँ, वरना ये दोनों क्या लगेंगी और मैं क्या लगूंगा, समझ रहे हो ना। मैं बजट दे रहे हो कपड़े खरीदने के लिए। मैं बजट दे रहा हूँ एक को 4,000। सही में फिर बात से करना मत, एक जन का 4,000। सच्ची बात, कैमरा बंद होने के बाद ऐसा नहीं कि 2,000 दूंगा। नहीं, जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ। 4×3 कितना होता है? 12। मतलब 12,000 दे रहे हो मैं। गिफ्ट कैच करना, ओके? Yes! ये दिवाली आउटफिट है, ठीक है? मुझे कौन सा कलर बोला था आपने? येलो। नहीं, येलो मेरा है, चलो निकलो। ले जाओ। तेरा ब्लू कलर था पायल। मेरा है। अरे खोल के तो देखो, अच्छा लगा कि नहीं तुमको? ब्लू कलर और ग्रीन कलर में फर्क नहीं लगता। अरे भूल से बोल दिया होगा, ग्रीन कलर लाया। अच्छा लग रहा है, खोल के तो देख एक बार, पहले ही रोने लगती है। कितना सुंदर लेकर आया हो, थैंक यू भी नहीं बोले, मुंह बना रहे हैं सिर्फ। थैंक यू भैया। नहीं, मैं ये कलर नहीं लूंगी। सो गाइस, मैं आपको मेरा कपड़ा दिखाती हूँ। येलो। मुझे जैसा स्लीव्स चाहिए था, स्लीव्स के ऊपर वर्क वैसा ही है। थैंक यू भैया। ये खुशबू का है, आप देख सकते हो। खुशबू दे, जब उसको पसंद है तो दे। दे खुशबू। मैं सारे कलर में अच्छी लगी, ले जा। खुशबू का दिल बहुत बड़ा। ये क्या कर रहे हो? उसने मेरा ऐसा फेंका इसलिए। चलेगा खुशबू, ये वाला चलेगा ना? हाँ, मेरे में सारे कलर अच्छे लगते, देखो गाइस। ये मेरा है। इसकी बत्ती सी देखो गाइस, पूरी की पूरी दिखेगी खुशी के मारे। आपको जितनी ये इनोसेंट सी लगती है ना, ये बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। ये हर बार है ना मेरे सारे कपड़े अच्छे अच्छे ले लेती है और अपने ऐसे ऐसे कपड़े मुझे दे देती है। मैं आप लोगों को अभी अच्छे से नहीं दिखा रही हूँ, मतलब दुपट्टा और उसका पैंट वो सब, मैं जब कल दिवाली पे पहनूंगी ना तभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। H&M से कुछ लेकर आया हूँ, आपको बता देता हूँ। मैं लेकर आया हूँ H&M से, पहली बार मैं H&M शॉप से ना कुछ लेकर आया हूँ। ये लेकर आया हूँ जैकेट ब्लू कलर में, थोड़ी सी एक्सपेंसिव मुझे लगी है गाइस, लेकिन क्या करें, अब H&M में एक्सपेंसिव कपड़े मिलते हैं और मुझे ऐसी जैकेट चाहिए थी तो मैं लेकर आ चुका हूँ। इसको क्या बोलते हैं पायल? हुडी। ये गाइस हुडी लेकर आया हूँ।
सिंपल सी ये पिंक कलर में है, पिंक कलर मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने ले लिया है। घर में है ना इस लड़के को लाइट बहुत ही कम दिख रहा था, सो इसीलिए इसने मंगवाया था लाइट जो आज हमें मिल गया है। अंकल भी सोच रहे होंगे जो देने आए थे कि दिवाली के बाद मैं क्या करूंगा इनको देके, इसलिए ना फटाफट से अभी देकर गए। अभी कितने बज रहे हैं? 8:30 8:30 बज रहे हैं कि 9 बज रहे हैं? 8:30 ही बज रहे होंगे गाइस। फटाफट से ना अब हम इसे लगाएंगे और घर को रोशन कर देंगे। एंड गाइस इग्नोर दिस घड़ी क्योंकि ये घड़ी बंद है, नहीं तो कमेंट आएगा कि अमन भैया गलत टाइम बता रहे हो। अभी तो पंखे साफ करने का कमेंट आ रहा है, पंखे साफ करो। चलो अपन लाइट लगाने जाते हैं। यहाँ पे लगा? हाँ उधर ही लगाना है। वीडियो बना रहा था और इसका जो फोन है ना मेरे हाथ में से गिर गया, इसलिए ना ये मेरे पे बहुत ही गुस्सा आ रही है। हाँ तो गाइस मैं गुस्सा ना हूँ, इतना महंगा फोन अगर फूट जाए तो क्या होगा? थोड़ा कम चिल्ला बहन, थोड़ा कम चिल्ला। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि अमन डांसर रियल ने खुशबू का है ना फोन गिरा दिया। गिराया तो है पर कुछ फूटा तो नहीं है ना। भगवान मेरे साथ है, भगवान ने बोला कि दिवाली इसकी खराब ना हो, इसलिए ना उन्होंने बचा लिया तेरे फोन को। 3, 2, 1 अब लग रहा है ना मम्मी दिवाली है ना। हाँ। कितना बोला था लाइट ले लो लाइट ले लो, नहीं ले रहे थे ये लोग लाइट। दिवाली गाइस देखो ये मेरा आइडिया था इतना सारा लाइट लगाने का, देखो मेरी वजह से इतना अच्छा मेरा घर है ना दिख रहा है गाइस। एक भी जन को है ना यहाँ पे फोटो खिंचवाने नहीं दूंगा, बड़ा बोल रहे थे लाइट की कोई जरूरत नहीं है, लाइट की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन फोटो खींचिए। पापा को तो पहले बार। हाँ पापा को तो और नहीं खींचने देंगे। हाँ। मम्मी सच्ची बहुत सुंदर लग रहा है। पापा को इधर बैठने मत देना। नहीं दूंगा बैठने को। पाल कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। पहली बार पाल ने मेरी तारीफ की। एक्साइटेड है कल के लिए? मैं ना बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखो मैंने क्या हाल कर दिया मेरे चश्मे का। जाती ऐसा क्यों होता है हर बार मैं ही अपने चश्मे में क्यों बैठ जाता हूँ बता? कैसा लग रहा है चश्मा दे रहा है। लेकिन गाइस मैं पायल की तरह रोता नहीं हूँ, मेरा चश्मा अगर टूट जाता है तो मैं उसको सीधा कर लेता हूँ। देखो मैं आपके सामने ही सीधा करके पहनूंगा। वो अलग बात है कि ऊपर नीचे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे दिखता हूँ, मेरी आवाज कैसी है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन देखता है मुझे, कौन देखता है बताओ? और इसके साथ ये सारे कारनामे इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपनी चीजें यहाँ वहाँ फेंक देता है। Yes! तूने छठ पूजा के लिए कपड़े खरीदे हैं ना? हाँ। ये ले आ गए फिटिंग होकर। जल्दी दिखाओ जल्दी। गाइस पापा ने जो बजट दिया था ना वही बजट में हमने है ना खरीदारी करी है ना 4,000 का। हाँ। 4,000 मेरे को दिया था, 4,000 पायल को, 4,000 खुशबू को, उसी में हमने खरीदारी किया और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं ना। हाँ। पहले तो ये लड़कियां नहीं दिखाने वाली थी लेकिन मैंने बोला दिखा दो, गाइस का हक बनता है तुम्हारे कपड़े देखने का है ना। बट हमारे कपड़े भी रिवील हो जाएंगे। रिवील हो जाएंगे तो हो जाएंगे नहीं। वो लोग भी तो परिवार की तरह है, वो लोग नहीं देखेंगे। ये वाला तूने पसंद किया था? Yes! ये वाला तो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था खुशबू। मुझे कपड़े पहनने तो मैं अपने पसंद का पहनूंगी। ये रहा मेरा कपड़ा। ये गाइस ये छठ पूजा का कपड़ा है जो मेरी बहन पहनने वाली है और मुझे पता है कि मेरे ऊपर अच्छा लगेगा और आपको भी पता है तो कुछ तारीफ करने की जरूरत नहीं। ऐसा सेम टू सेम अब इसने भी लिया होगा, मुझे पता ही था, मुझे पता ही था सेम टू सेम है ना। हाँ बस कलर अलग है, उसका जो है ब्लूइश टाइप है और मेरा जो है वो लैवेंडर कलर का है। पर तेरा अच्छा लग रहा है कलर पायल। अच्छा लगेगा ना क्योंकि मैं अच्छी हूँ तो अच्छा ही कलर चूज करूँगी। अब ये खुशबू को दे दे, तूने उसका दिवाली का आउटफिट ले लिया है ना तो अब इसको दे। गाइस पूरा हक बनता है मुझे लेने दे 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 पायल दे दे। एक नंबर की है ना कंजूस है ये। तो मैं भी नहीं दे रही। बहुत सारे कपड़े इधर भी हैं लेकिन ये लोग गाइस कल ये लोग पहनेंगे ना दिवाली को तो आप देख लेना। बहुत सारे कपड़े की आज खरीदारी करी है इसलिए मेरा सर दर्द हो रहा था क्योंकि इतनी सारी शॉपिंग आज तक मैंने एक साथ नहीं करी है। आज 5 जन की है ना हमने शॉपिंग की है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, फिर भी हम लोग ने आपके लिए वीडियो जो है वो बनाया क्योंकि आप लोग हमारे परिवार की तरह है, आप लोग हमको रोज देखना चाहते हो, इसलिए बाय बाय।